और क्या हाल चाल। तो द लेजेंडरी मास्टर याओ लाओ की अगर आप लोगों ने स्टोरी नहीं सुनी ना तो मैंने उसके 18 एपिसोड पहले ही एक्सप्लेन कर दिए हैं। और अब हर दिन 5-6 बजे के बीच मास्टर याओ लाओ का एक एपिसोड आया करेगा। और सुबह जैसी वीडियो आ रही है ना वैसी वीडियो आती रहेंगी, बस थोड़ी सी लॉन्ग वीडियो हो जाएंगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं। और हाँ, ये मेरी वीडियो पहले से ही रिकॉर्डिंग है, तो शुरू करते हैं। एपिसोड 19, और क्या हाल चाल, सब बढ़िया। तो पिछले एपिसोड में देखा कि जो हमारे मास्टर याओ चैन होते हैं ना, वो उस डाओ वांग लेवल वाले बंदे से बचकर, बोला जाए तो फेन जुनजी को साथ लेकर भागकर एक जंगल में आ जाते हैं। और अब आगे, अब जैसे हमारे मास्टर इस जंगल में आते हैं ना, तो मास्टर यहाँ पर रुक जाते हैं और रुकने के बाद अपनी हालत पर फोकस करने लगते हैं। मास्टर की हालत यहाँ पर बहुत ही ज्यादा खराब थी, क्योंकि मास्टर एक डाओ वांग लेवल वाले बंदे का अटैक झेल रहे थे। अब इतने में यहाँ पर याओ चैन महसूस करते हैं कि उनके छाती में एकदम खतरनाक लेवल का पेन हो रहा है। याओ चैन चलते हैं तो तुरंत अपनी शर्ट को उतार कर अपनी छाती को देखने लगते हैं। अब जैसे याओ चैन अपनी छाती को देखते हैं ना, तो वो देखते हैं कि वहाँ पर एक हरे कलर का चिन्ह पड़ा हुआ है जो लगातार याओ चैन की शक्तियों को खींच रहा है। अब जैसे यहाँ पर फेन जुनजी याओ चैन के इस छाती पर चिन्ह को देखते हैं ना, तो वो भी डर जाते हैं कि तो एक वुड मार्क है, ये किसी भी बंदे का लाइफ फोर्स को खींच सकता है, बोला जाए तो उम्र को कम कर सकता है। फेन जुनजी यहाँ पर समझ जाते हैं कि उस डाओ वांग लेवल वाले बंदे ने याओ चैन पर जो हमला किया है ना, वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और मू फैमिली का सबसे पावरफुल अटैक है, शायद याओ चैन इससे ना बच सके। हालांकि यहाँ पर फेन जुनजी समझ रहे थे कि याओ चैन शायद उससे एक या फिर 2 साल छोटे ही होंगे, फिर भी याओ चैन एक डाओ वांग लेवल वाला बंदे का अटैक झेल गए हैं। फिलहाल के लिए तो याओ चैन जिंदा है, भविष्य में पता नहीं कि वो जिंदा रहेंगे या फिर नहीं। मतलब कि फेन जुनजी यहाँ पर याओ चैन के बारे में सोचने लगते हैं कि सच में ये लड़का बहुत ही ज्यादा खतरनाक है जो डाओ वांग लेवल वाले बंदे का अटैक झेल गया। अब इतने में यहाँ पर हमारे मास्टर याओ लाओ चलते हैं तो कल्टीवेशन करने के लिए बैठ जाते हैं और लंबे समय तक कल्टीवेशन करते रहते हैं। और फाइनली जो हमारे याओ चैन के शरीर में वुड मार्क था ना, मू फैमिली के उस डाओ वांग लेवल वाले बंदे का, हमारे मास्टर याओ लाओ फिलहाल के लिए इसे सप्रेस कर देते हैं, बोला जाए तो दबा देते हैं, ताकि ये दोबारा से उनकी शक्तियां ना खींच सके। अब इसके बाद जैसे यहाँ पर मास्टर याओ लाओ थोड़ी बहुत ठीक होती है ना, तो हमें फेन जुनजी को बताया जाता है, जो कि यहाँ से दोबारा से मू फैमिली से लड़ने के लिए जाने लगते हैं। अब जैसे मास्टर याओ लाओ फेन जुनजी को यहाँ से जाते हुए देखते हैं ना, तो वो उसे रोकते हैं और फेन जुनजी से कहने लगते हैं कि तुम कहाँ जा रहे हो। फेन जुनजी चलते हैं तो मास्टर से कहने लगते हैं कि मैं मेरा बदला लेने के लिए जा रहा हूँ। अब जैसे मास्टर यहाँ पर फेन जुनजी की बातें सुनते हैं ना, तो वो फेन जुनजी पर मुस्कुराने लगते हैं कि तुम एक डाओ लिंग लेवल के बंदे, एक डाओ वांग, सॉरी डाओ लिंग नहीं, डाओ सी लेवल के बंदा एक डाओ वांग लेवल वाले बंदे से लड़ेगा, मेरी बात सुनो, मेरे साथ चलो और स्ट्रांग बनो, और जब तुम एक बार स्ट्रांग बन जाओगे तो पूरी की पूरी मू फैमिली को जड़ से उखाड़ देना, और अगर तुम मरना चाहते हो अभी यार तो जा सकते हो, तुम्हें मू फैमिली आसानी से मार सकती है। अब भाई साहब जैसे ही यहाँ पर फेन जुनजी याओ चैन की बातें सुनते हैं ना, तो वो हैरान हो जाते हैं, लेकिन वो असमंजस में पड़े रहते हैं कि मुझे बदला लेने के लिए जाना है या फिर नहीं जाना। मास्टर चलते हैं तो यहाँ पर कहने लगते हैं कि अब वो तुम्हारी मर्जी। और भाई साहब यह कहते हैं, जब मास्टर याओ लाओ चलते हैं तो जंगल के अंदर जाने लगते हैं फेन जुनजी को यहीं पर छोड़कर। अब इतने में फेन जुनजी चलते हैं तो कुछ सोचते हैं और उन्हें फाइनली समझ में आ जाता है कि अगर अभी मर गया मैं मू फैमिली के हाथों से, तो शायद मैं बदला, मतलब कि मेरी फेन फैमिली कभी बदला ले ही नहीं पाएगी, और अगर जिंदा रहा और स्ट्रांग बन पाया तो मैं मू फैमिली का दूर की कॉन्टिनेंट से नाम ही मिटा दूंगा। फेन जुनजी चलते हैं तो यह सोचकर याओ चैन का पीछा करने लगते हैं कि रुको, मैं भी तुम्हारे साथ आ रहा हूँ। अब भाई साहब जैसे याओ चैन फेन जुनजी की बातें सुनते हैं ना, उनकी आवाज सुनते हैं, तो याओ चैन के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आ जाती है। अब जैसे यहाँ पर याओ चैन के साथ फेन जुनजी जंगल के अंदर जाने लगते हैं, तो यहाँ पर याओ चुनजी, मतलब कि यहाँ पर याओ चैन चलते हैं तो एक गोली को निकालते हैं और फेन जुनजी को दे देते हैं, और एक गोली वो स्वयं खा लेते हैं और जंगल के अंदर चले जाते हैं। और मैं बता दूं, ये गोली है ना, ये बहुत ही ज्यादा खास गोली है, क्योंकि ये गोली किसी की भी शक्तियों को छुपा सकती है, और जंगल में जंगली जानवर बहुत सारे रहते हैं, इसलिए शक्तियों को छुपाकर हमारी मास्टर याओ लाओ और फेन जुनजी इस जंगल के अंदर चले जाते हैं। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और फिर हमें मू फैमिली को बताया जाता है, जो कि मीटिंग कर रही होती है, और यहाँ पर बहुत सारे मू फैमिली के बुड्ढे बैठे हुए होते हैं। एक बुड्ढा चलता है तो यहाँ पर कहने लगता है कि हमने फेन फैमिली के सारे लोगों को खत्म कर दिया है, सिर्फ एक वो लड़का जिसका नाम फेन जियान है, जो फेन फैमिली का है, वो ही अकेला बचकर भाग गया है। इतने में यहाँ पर एक और बुड्ढा होता है, वो कहने लगता है कि फेन फैमिली के साथ एक एल्पिनिस्ट भी रहता था जिसका नाम पता नहीं क्या है, लेकिन वो भी बचकर भाग गया है। अब जैसे ही दूसरा बुड्ढा यहाँ पर एक कहता है ना, तो जो डाओ वांग लेवल वाला बंदा था ना, जिसने हमारे मास्टर याओ चैन पर हमला किया था, वो यहाँ पर कहने लगता है कि तुम चिंता मत करो, वो एल्पिनिस्ट, उस पर मैंने हमला किया था, हमारी सीक्रेट टेक्निक से वो बहुत जल्द मारा जाएगा। और भाई साहब यह कहते दोबारा से सीन शिफ्ट होता है और हमें मास्टर याओ लाओ को बताया जाता है, जो कि 15 दिन से इस जंगल में घूम रहे होते हैं। फेन जुनजी यहाँ पर महसूस करते हैं कि उनका रिश्ता याओ चैन के साथ लगातार गहरा होता जा रहा है। अब यहाँ पर याओ चैन आगे बढ़ रहे होते हैं जंगल में, तभी याओ चैन की थोड़ी सी तबीयत खराब होती है और यहाँ पर याओ चैन ब्लड की उल्टियां करने लगते हैं। लेकिन अब
हम देखते हैं कि ये ब्लड की उल्टियां रेड नहीं बल्कि जो याओ चैन के मुंह से ब्लड निकला है ना ये ब्लैक कलर का निकला है। हैं जुन जी चलती हैं तो याओ चैन की ऐसी हालत देखकर हैरान हो जाते हैं कि याओ चैन क्या तुम ठीक हो। अब इतने में याओ चैन को बताया जाता है जो कि हैं जुन जी की बातों को देखकर मतलब कि सुनकर मुस्कुराने लगते हैं क्योंकि याओ चैन है ना जो याओ चैन पर डाउ वांग लेवल वाले बंदे ने अटैक किया है और उसने वुड एलिमेंट हमारे याओ चैन के शरीर के अंदर डाला है। याओ चैन उसे निकाल नहीं रहे हैं बल्कि उसे रिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि अगर याओ चैन ने उस वुड एलिमेंट वाले अटैक को मतलब कि जो भी चैन है ना उसे रिफाइन कर दिया ना तो याओ चैन पक्का डाउ उसी लेवल पर पहुंच जाएंगे। याओ चैन चलते हैं तो यहाँ पर ट्रेनिंग करने लगते हैं और लंबी ट्रेनिंग चलती है और ट्रेनिंग के बाद दोबारा से याओ चैन उठते हैं ना तो ये दोबारा से ब्लड की उल्टियां करने लगते हैं लेकिन इस बार जो याओ चैन के मुंह से ब्लड निकला था ना वो थोड़ा अलग था क्योंकि इस बार याओ चैन के ब्लड में वुड एलिमेंट भी शामिल थे मतलब कि पत्तियां वगैरह मान सकते हो ठीक है ना वो भी शामिल थे। अब जैसे याओ चैन इन पत्तियों को अपने ब्लड से निकलते हुए देखते हैं ना तो वो प्रसन्न हो जाती हैं समझ जाती हैं याओ चैन यहाँ पर कि अगर वो ऐसी ट्रेनिंग करते रहे तो शायद उनके शरीर के अंदर जो वुड एलिमेंट है ना सॉरी एलिमेंट है ना उसे शायद वो जल्दी रिफाइन कर देंगे और डाउ सी लेवल पर पहुंच जाएंगे। अब जैसे ही मास्टर याओ चैन अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद फैन जुनजी की ओर देखते हैं ना तो मास्टर समझ जाते हैं कि फैन जुनजी दोबारा से अपनी फैन फैमिली का बदला लेने के लिए मु फैमिली के पास जाना चाहते हैं। याओ चैन चलते हैं तो यहाँ पर एक पत्थर पर बैठते हैं और फैन जुनजी को बताने लगते हैं कि ठीक है अगर तुम जाना चाहते हो ना तो तुम जा सकते हो लेकिन जाने से पहले मेरी एक कहानी सुनो। अब भाई साहब यह कहते हैं यहाँ पर याओ चैन चलते हैं मास्टर याओ राव चलते हैं तो वो अपने बारे में पूरी बातें फैन जुनजी को बता देते हैं कि कैसे उन्हें याओ क्लैन से बाहर निकाल दिया गया कैसे याओ क्लैन की वजह से उनके फादर मारे गए और कैसे याओ क्लैन की वजह से वो अपनी माँ से लास्ट बार भी ना मिल सके। यहाँ पर फैन जुनजी समझते हैं तो वो समझ जाते हैं कि ये सब याओ चैन के साथ ही हुआ है। याओ चैन चलते हैं तो वो भी फैन जुनजी से कहने लगते हैं कि मैं एक दिन इतना स्ट्रांग बनूंगा कि मैं पूरी की पूरी याओ क्लैन को अकेला बता दूंगा कि उन्होंने मेरे साथ गलत किया है। तुम्हारी प्रॉब्लम तो बहुत ही छोटी सी है तुम बहुत ही आसानी से मु फैमिली से अपना बदला ले सकते हो मेरे साथ। अब जैसे यहाँ पर फैन जुनजी मास्टर याओ चैन की बातें सुनते हैं ना तो वो मान जाते हैं कि ठीक है। हालांकि यहाँ पर फैन जुनजी परेशान होते हैं कि मैं वाला डाउ वांग लेवल पर कैसे पहुंचूंगा मेरे पास तो कोई रिसोर्सेस भी नहीं है जिसकी सहायता से मैं डाउ वांग लेवल पर पहुंच सकूं। याओ चैन चलते हैं तो यहाँ पर अपनी खासियत के बारे में बताने लगते हैं कि तुम रिसोर्सेज की चिंता मत करो मैं हूँ तुम्हारे साथ और अब से हम भाई हैं ठीक है। अब भाई साहब यह कहते हैं याओ चैन चलते हैं तो फैन जुनजी से कहने लगते हैं कि हम अब इस जंगल में पूरी तरीके से खो चुके हैं हमें यहाँ से सबसे पहले निकलना होगा हमें निकलने के लिए सिर्फ एक ही तरीका अपनाना है और वो है कि सूरज जिस साइड से निकल रहा है ना हमें उस साइड लगातार आगे बढ़ता रहना है हम इस जंगल से बाहर निकल जाएंगे। अब भाई साहब मास्टर याओ चैन की एक कहती सीन शिफ्ट होता है और फिर हमें एक महीने बाद का सीन बताया जाता है जहाँ पर याओ चैन और फैन जुनजी लगातार इस जंगल में आगे बढ़ते जाते हैं। हालांकि इस महीने के बीच मतलब कि इस एक महीने में याओ चैन बहुत से जानवरों से लड़ते हैं फैन जुनजी भी याओ चैन की मदद करते हैं और फाइनली उन जानवरों से सर्वाइव करते करते लगातार आगे बढ़ते रहते हैं और तो और लगातार मौत के मुंह वाले फाइट को लड़ते लड़ते याओ चैन का जो लेवल था ना बोला जाए तो शक्तियों का लेवल था ना वो भी बढ़ने लगता है और वो एक महीने के अंदर ही डाउसी 9 स्टार पर पहुंच जाता है और तो और फैन जुनजी का भी लेवल बढ़ता है और वो भी बहुत ही तेजी से। अब इतने में हमें एक दिन का सीन बताया जाता है जहाँ पर मास्टर याओ लाओ और फैन जुनजी जा रहे होते हैं। मास्टर याओ लाओ चलते हैं तो फैन जुनजी से कहने लगते हैं कि ऐसा लगता है कि अब मैं बहुत जल्द ब्रेक थ्रू करने वाला हूँ बोला जाए तो डाउसी लेवल पर पहुंचने वाला हूँ। अब जैसे ही फैन जुनजी यहाँ पर याओ चैन की बात सुनते हैं ना तो वो भी कह देते हैं कि ठीक है तुम ब्रेक थ्रू करो मैं तुम्हारी रक्षा करता हूँ। याओ चैन चलते हैं तो फैन जुनजी की बात सुनकर यहीं पर बैठ जाते हैं और अपनी आंखें बंद करने लगते हैं बोला जाए तो अपनी आंखें बंद करके ब्रेक थ्रू करने लगते हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद ही याओ चैन चलते हैं तो दोबारा से आंखें खोलते हैं और खड़े होकर फैन जुनजी से कहने लगते हैं कि मैंने ब्रेक थ्रू कर लिया है। फैन जुनजी भी हैरान हो जाते हैं कि भाई अभी हाल तो तू बैठा था और इतनी जल्दी तेरा ब्रेक थ्रू भी हो गया है। याओ चैन चलते हैं तो फैन जुनजी को समझाने लगते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है वो क्या है ना कि मैंने गोलियों की सहायता से कई बार अपना जो लेवल है ना वो डाउसी लेवल पर ले गया हूँ और तो और मेरी बॉडी भी डाउसी लेवल से भी स्ट्रांग है इसलिए मेरा कल्टीवेशन इतना तेजी से बढ़ गया है बोला जाए तो ब्रेक थ्रू इतना तेजी से हो गया है। अब इसके बाद दोनों के दोनों मतलब कि याओ चैन और फैन जुनजी चलते हैं तो लगातार आगे बढ़ने लगते हैं और एक महीना और गुजर जाता है और इस एक महीने में जो फैन जुनजी थे ना वो डाउसी लेवल के 9 स्टार के एकदम पीक लेवल पर आ गए थे मतलब कि एक कदम और डाउसी लेवल पर। हालांकि इस बीच में भी फैन जुनजी और मास्टर याओ चैन बहुत सारे जानवरों से लड़े थे लेकिन साथ मिलकर लड़ने में बोला जाए तो साथ मिलकर लड़ते थे इसलिए सामने वाले जानवर को हरा देते थे या फिर मार डालते थे या फिर दोनों के दोनों से बचकर भाग जाते थे। अब इतने में हमें एक दिन का सीन बताया जाता है जहाँ पर मास्टर याओ लाओ
और फेंग चुनजी एक बंदर से लड़ रहे थे और इस बंदर से इसलिए लड़ रहे थे क्योंकि इस बंदर के पास एक जड़ी बूटी थी जो याओ चैन को चाहिए थी। फाइनली दोनों के दोनों फेंग चुनजी और याओ चैन चलते हैं तो इस बंदर को हरा देते हैं। हालांकि हरा तो देते हैं लेकिन फेंग चुनजी थोड़े वो जख्मी हो जाते हैं और ब्लड की उल्टियां करने लगते हैं। अब भले ही फेंग चुनजी ब्लड की उल्टियां कर रहे थे लेकिन उन्हें महसूस हो रहा था कि अगर अब वो यहाँ पर ट्रेनिंग करें ना तो शायद वो डाउ डाउ सी लेवल पर पहुंच सकते हैं। अब इतने में यहाँ पर याओ चैन चलते हैं तो वो फेंग चुनजी की भावनाओं को समझ जाती है। याओ चैन चलता है तो तुरंत एक गोली को निकाल कर फेंग चुनजी को दे देता है। फेंग चुनजी चलते हैं तो उस गोली को खाकर यहाँ पर ट्रेनिंग करने लगते हैं और डाउ डाउ सी लेवल के लिए अपग्रेड हो जाते हैं, बोला जाए तो अपग्रेड हो जाते हैं, सॉरी मतलब की पहुंच जाते हैं डाउ डाउ सी लेवल पर। अब इसके बाद इनके बीच थोड़ी बहुत और बातें होती है और याओ चैन और फेंग चुनजी चलते हैं तो दोबारा से इस जंगल में आगे बढ़ने लगते हैं। हालांकि रास्ते में फेंग चुनजी चलते हैं तो मास्टर से पूछने लगते हैं कि यार पिछले हम कई महीनों से आगे बढ़ रहे हैं लेकिन अभी तक हमें एक भी इंसान दिखने को नहीं मिला है, कहीं ऐसा नहीं नहीं हम गलत रास्तों पर चल रहे हो और लगातार खोते हुए आगे बढ़ रहे हो। अब जैसे यहाँ पर याओ चैन फेंग चुनजी की बात सुनते हैं ना तो वो अपना सिर हिलाते हैं और मतलब कि फेंग चुनजी से कहने लगते हैं कि तुम चिंता मत करो, हम कहीं ना कहीं तो पहुंच ही जाएंगे, हमें सिर्फ आगे बढ़ते रहना है। और भाई साहब फेंग चुनजी भी याओ चैन की बात मानते हैं और लगातार अब ये आगे बढ़ते रहते हैं और 2 महीने और गुजरते हैं, मतलब कि टोटल 4 महीने गुजर जाते हैं। और इन 4 महीनों में जो हमारे मास्टर का पावर था ना वो भी डाउसी 3 स्टार पर पहुंच गया था, सॉरी डाउसी 3 स्टार पर पहुंच गया था। और जो हमारे मास्टर की गोलियों बनाने वाली क्षमता थी ना वो भी बहुत ही तेजी से बढ़ रही थी। और तो और मास्टर के पास एल्पनेक मतलब कि अपनी गोलियां बनाने की शक्ति को इम्प्रूव करने के लिए एक चीज थी जो कि शायद मास्टर की ही दादा के दादा के दादाजी की थी, मतलब कि कोई ग्रैंड दादाजी की होगी, जिसमें बहुत सारे स्क्रॉल रखे हुए थे और मास्टर उन्हीं स्क्रॉलों से लगातार सीखते जा रहे थे कि उन्हें आगे क्या करना है। और तो और ये इतने ज्यादा टैलेंटेड होते जा रहे थे कि ये अपनी स्वयं की हर चीज बनाना सीख रहे थे। बोला जाए तो अगर किसी गोली को बनाना है ना तो उसे और भी ज्यादा अच्छा कैसे बनाया जाए वो स्वयं ही इस बात का पता लगा लेते थे और उस गोली को बहुत ही अच्छा बना देते थे। अब सीन से पुटाओ पर हमें एक दिन का सीन बताया जाता है जहाँ पर फेंग चुनजी और मास्टर याओ लाओ बैठे हुए थे। मास्टर याओ लाओ ने बहुत मेहनत की थी फेंग चुनजी को डाउ डाउ सी लेवल पर पहुंचाने में, क्योंकि जो फेंग चुनजी का शरीर था ना वो बहुत ही ज्यादा कमजोर था और तो और उनकी जो हड्डियां थी ना वो भी बहुत ही ज्यादा कमजोर थी, इसलिए वो डाउ डाउ सी लेवल पर नहीं पहुंच पा रहे थे। हमारे मास्टर चलते हैं तो फेंग चुनजी को बहुत सारे गोलियां खवाते हैं, साथ ही जड़ी बूटियों से नहाने की सलाह भी देते हैं जिस वजह से फेंग चुनजी की जो हड्डियां और शरीर है ना वो मजबूत हो सके। साथ ही साथ फेंग चुनजी है ना जिनके पास फेंग फैमिली की बहुत सारी धरोहर थी, बहुत सारे जादुई फॉर्मूले थे, मतलब कि टेक्निकें थी जिन्हें वो कभी सीख नहीं सकते थे, वो सारी की सारी टेक्निक और फॉर्मूले वो हमारे मास्टर को दे देते हैं जिस वजह से मास्टर उनकी मदद करते हैं फेंग चुनजी की और सारे के सारे फॉर्मूले टेक्निक सब सिखा देते हैं। अब पलक झपकते ही 1-1.5 महीना और गुजर जाता है और अब याओ चैन और जो फेंग चुनजी के कपड़े थे ना वो भी अब पूरी फट चुके थे और तो और अब मोगली जैसे कपड़े लपेटकर जंगल में आगे बढ़ते रहते थे, मतलब कि सिर्फ चड्डी पहन कर आगे बढ़ते रहते थे, ठीक है शायद ऐसा ही लिखा होगा। और यार मेरी आवाज इसलिए ऐसी आ रही है क्योंकि मैं बहुत ज्यादा थका हुआ हूँ, मुझे नींद की जरूरत है, हर कोई नहीं आगे वीडियो बनाता हूँ। अब जैसे 1.5 महीना गुजरता है ना तो हमें 1.5 महीने के बाद का सीन बताया जाता है जहाँ पर याओ चैन और फेंग चुनजी चलती है तो एक बहुत ही अच्छी गुफा ढूंढकर उसमें जड़ी बूटियों का पानी भरकर उसमें नहा रहे होते हैं। अब इतने में हमें याओ चैन को बताया जाता है जो कि इस पानी में एकदम शांति के साथ बैठे हुए थे और यहीं फेंग चुनजी भी इसी पानी में बैठे हुए थे लेकिन लगातार वो चिल्ला रहे थे, पता नहीं क्यों चिल्ला रहे थे, आगे बताता हूँ क्यों चिल्ला रहे थे। फेंग चुनजी चलते हैं तो यहाँ पर याओ चैन से पूछने लगते हैं कि याओ चैन क्या तुम्हें दर्द नहीं हो रहा है इस पानी से, क्योंकि ये पानी जड़ी बूटियों का है ना और इस पानी में शक्तियां हैं इसलिए इस पानी में नहाने से दर्द होता है लेकिन ये दर्द ही हमारे शरीर को मजबूत बनाता है, इसलिए यहाँ पर फेंग चुनजी चिल्ला रहे थे। फेंग चुनजी चलते हैं तो याओ चैन से पूछने लगते हैं कि याओ चैन तुम्हें दर्द नहीं हो रहा है क्या। याओ चैन चलते हैं तो फेंग चुनजी से कहने लगता है कि हाँ हो रहा है लेकिन चिल्लाने से क्या होगा, दर्द क्या कम हो जाएगा क्या चिल्लाने से, इसलिए फालतू में तुम अपना गला फाड़ रहे हो। अब भाई साहब जब फेंग चुनजी याओ चैन की ऐसी बातें सुनते हैं ना तो वो भी और भी ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि भाई ये बंदा आकर है कैसा, इसे इतना ज्यादा दर्द हो रहा है और इसके चेहरे पर बिल्कुल भी मुंह से एक चीख भी नहीं निकल रही है। यहाँ पर फेंग चुनजी सोचने लगते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं ये इंसान ना हो बल्कि एक जानवर हो जिसे दर्द नहीं होता, मतलब कि जानवरों को दर्द होता है लेकिन मेरे ख्याल से जड़ी बूटियों से नहीं होता होगा, ठीक है खाने पीने से। अब भाई साहब हमारे मास्टर और फेंग चुनजी इस गुफा में नहा रहे होते हैं तभी इस गुफा में
जो जड़ी बूटियों की खुशबू थी ना वो बाहर फैलने लगती है और बहुत दूर दूर तक जाने लगती है। अब इतने में हमें इस गुफा से कुछ दूरी पर कुछ बंदों को बताया जाता है जो कि लग तो इंसानी रहे थे लेकिन ये इंसान नहीं थे। अब जैसे ये बंदे यहाँ पर इन जड़ी बूटियों की खुशबू सूंघते हैं ना तो ये हैरान हो जाते हैं कि एल्पिनिस्ट, ऐसा लगता है कि आस पास हमारे कोई एल्पिनिस्ट है। ये बंदे चलते हैं तो उस खुशबू की ओर आगे बढ़ने लगते हैं और पता लगा लेते हैं कि यहाँ पर एक एल्पिनिस्ट है। अब जैसे इन बंदों को पता लगता है ना तो ये तुरंत यहाँ से वापस निकल जाते हैं अपनी प्रिंसेस को बताने के लिए कि हमें एक एल्पिनिस्ट मिला है। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और फिर हमें बहुत सारे मतलब कि एक पहाड़ का सीन बताया जाता है जहाँ पर बहुत सारे आदमी जो कि कल्टीवेशन करते थे और डाउ सी लेवल पर थे, बहुत सारे आदमी यहाँ पर एक महल को बना रहे होते हैं। अब इतने में यहाँ पर एक भालू आता है और इन सारे आदमियों जो इस महल को बना रहे थे ना उन पर हमला करने की सोचता है और उन्हें खाने की सोचता है। और भाई साहब ये भालू इन डाउ सी लेवल वाले बंदों पर हमला ही करने वाला होता है तभी यहाँ पर एक लड़की आती है और यहाँ पर जोर से चिल्लाकर कहती है कि तुम क्या कर रहे हो भालू, खबरदार अगर मेरे नौकरों पर हमला करने की कोशिश की तो, अगर तुमने इन पर हमला किया बोला जाए तो जो बंदे यहाँ पर महल बना रहे हैं ना उन पर हमला किया तो आज शाम को मैं तुम्हें कुकर में उबाल कर खा जाऊंगी। और भाई साहब जैसे ही यहाँ पर एक भालू इस प्रिंसेस मतलब कि सामने वाली लड़की की बात सुनता है ना तो ये डर जाता है और तुरंत पीछे हट जाता है। अब इतने में हमें यहाँ पर बहुत सारे डाउट सी लेवल बंदों को बताया जाता है जो कि यहाँ पर एक महल को बना रहे होते हैं। इनमें से कुछ बंदे चलते हैं तो इस प्रिंसेस से कहने लगते हैं, बोला जाए तो लड़की से कहने लगते हैं कि आप हमसे यहाँ पर क्यों काम करवा रही हो, आपको महल ही बनवाना है ना तो नॉर्मल इंसानों से भी तो बनवा सकती हो ना। अब जैसे ये बंदा यहाँ पर ये कहता है ना तो इस लड़की के पास दो तीन और जानवर खड़े हुए थे जिसमें से एक भालू भी था। वो जब इस प्रिंसेस से इस आदमी को ऐसा बात करते हुए दिखता है ना तो वो हैरान हो जाता है और वो समझ जाता है यहाँ पर वो भालू कि अब प्रिंसेस इस आदमी को नहीं छोड़ेगी, ये पक्का यहाँ पर मारा जाएगा और इसका गोश्त मुझे खाने को मिलेगा। अब भाई साहब भालू ये सोचता ही है तभी ये प्रिंसेस चलती है तो इससे एकदम प्यार से बात करने लगती है कि चुपचाप अपना काम करो वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। ये आदमी चलता है तो ये भी इस प्रिंसेस की बात समझ जाता है इसलिए ये आदमी चलता है तो दोबारा से महल बनाने में सभी लोगों की मदद करने लगता है। अब जब भाई साहब भालू यहाँ पर इस प्रिंसेस को इस आदमी के साथ ऐसा व्यवहार करते हुए दिखता है ना तो हैरान हो जाता है कि यहाँ पर ये लड़की ऐसा व्यवहार आदमियों के साथ बोला जाए तो इंसानों के साथ कब से करने लगी। अब यहाँ पर ये सब चल ही रहा होता है तभी यहाँ पर दो तीन बंदे और आते हैं और ये दो तीन बंदे वही होते हैं जो याओचैन की गुफा में कुछ समय याओचैन का पता लगाने के लिए गए थे। ये बंदे चलते हैं तो यहाँ पर इस प्रिंसेस मतलब कि लड़की से कहने लगते हैं कि प्रिंसेस जी हमें एक एल्पिनिस्ट के बारे में पता चला है जो कि बहुत ही ज्यादा अच्छा है और मेरे ख्याल से बहुत ही ज्यादा पावरफुल भी है। अब जैसे ये प्रिंसेस इस आदमी की बात सुनती है ना तो इसकी आंखों में एकदम चमक आ जाती है और ये तुरंत अपने लोगों को आदेश दे देती है कि जाओ और जाकर उस एल्पिनिस्ट को पकड़ कर लाओ। अब भाई साहब ये प्रिंसेस कहती है तभी इसके मन में एक बार और ख्याल आता है और यहाँ पर ये दोबारा से कहने लगती है कि नहीं 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 रुको रुको, हम उसे सख्ती से पकड़ कर नहीं लाएंगे बल्कि हम उसे अपने क्लैन में इनवाइट करेंगे। और भाई साहब जब यहाँ पर इस प्रिंसेस की बात आस पीस के इस प्रिंसेस के चेले चपाटे सुनते हैं ना तो ये हैरान हो जाते हैं कि क्या ये प्रिंसेस इंसानों के लिए कब से इतनी संपत्ति रखने लगी, मतलब कि इंसानों के बारे में भला सोचने लगी। लेकिन यहाँ पर जितने भी जानवर थे ना जो कि आदमी का रूप ले हुए थे ये प्रिंसेस से कुछ कह नहीं पाते क्योंकि अगर प्रिंसेस गुस्सा हो गई ना तो इन सबकी खटिया खड़ी हो जाएगी, इसलिए ये प्रिंसेस की हाँ में हाँ तुरंत मिला देती है। अब इसके बाद ये आदमी चलता है तो इस प्रिंसेस को उसी गुफा की ओर ले जाने लगता है जहाँ पर याओचैन और फेंग जुनजे नहा रहे थे बोला जाए तो। अब जैसे ये प्रिंसेस वहाँ पर पहुँचती है ना और ये याओचैन को देखती है तो एक ही बार में ये याओचैन को पहचान जाती है क्योंकि ये प्रिंसेस और कोई नहीं बल्कि हुजियू होती है जो कि एक फॉक्स प्रिंसेस है। और याओचैन चलते हैं तो वो भी हुजियू को पहचान जाती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। अब यहाँ पर इनके बीच थोड़ी बहुत बात होती है फॉक्स प्रिंसेस और याओचैन के बीच, इतने में यहीं पर फेंग जुनजे भी आ जाते हैं। मास्टर याओचैन चलते हैं तो फेंग जुनजे का परिचय फॉक्स प्रिंसेस से करा देते हैं कि ये मेरा भाई है। फॉक्स प्रिंसेस भी हमें से ला देती है। अब इसके बाद फॉक्स प्रिंसेस याओचैन को अपने साथ चलने की कहती है कि मेरे साथ चलो मुझे तुमसे काम है। याओचैन चलते हैं तो फॉक्स प्रिंसेस से मना कर देते हैं कि नहीं अभी मैं नहीं चल सकता, ऐसा करते हैं कि हम सुबह चलेंगे। अब जैसी फॉक्स प्रिंसेस ये सुनती है ना तो पीछे के जो बंदे जिनमें से एक भालू भी था वो समझ जाता है कि अब शायद सामने वाला बंदा याओचैन ये तो गया क्योंकि इसने फॉक्स प्रिंसेस को मना कर दिया है। यहाँ पर ये भालू समझ जाता है कि अब उसे बहुत ही अच्छा गोश्त खाने को मिलेगा, मतलब कि ये फॉक्स प्रिंसेस का अपने क्लैन में दबदबा ऐसा था कि भाई इसे कोई भी किसी भी चीज के लिए मना नहीं कर सकता और अगर किसी ने किसी भी चीज के लिए मना कर दिया ना तो समझ लो वो बंदा गया। अब जैसे ही यहाँ पर फॉक्स प्रिंसेस याओचैन की बात सुनती है ना तो वो हमें से रिला देती कि ठीक है मैं सुबह तुम्हें दोबारा से लेने के लिए आऊंगी। और भाई साहब जैसे ही फॉक्स प्रिंसेस कहती है ना तो उसके पीछे जितने भी बंदे खड़े हुए थे ना वो हैरान हो जाते हैं कि ओ माय गॉड आखिरकार हमारी फॉक्स प्रिंसेस को हो क्या गया है जो इंसानों के बारे में इतना अच्छा सोचने लगी है और उनकी बात मानने लगी है। अब सीन शिफ्ट होता है और फिर हमें सुबह का सीन बताया जाता है जहाँ पर मास्टर याओलाओ और फेंग जुनजे को एक फॉक्स प्रिंसेस जहाँ पर ये रहती है ना वहाँ पर ले जा रही है। अब रास्ते में याओचैन इस फॉक्स प्रिंसेस के
के साथ जा रहे होते हैं, तभी हमारे मास्टर को बहुत सारे डावडावसी लेवल के बंदे काम करते हुए दिखते हैं। अब जैसे ही मास्टर इन डावडावसी लेवल वाले बंदों को ऐसा काम करते हुए देखते हैं ना, तो मास्टर हैरान हो जाते हैं कि आखिरकार इतने सारे बंदे यहाँ पर कर क्या रहे हैं। फॉक्स प्रिंसेस चलती है तो हमारे मास्टर को समझाने लगती है कि मैं ना मेरे लिए एक महल बनवा रही हूँ इन सभी बंदों से। याओचैन हैरान हो जाते हैं कि ये फॉक्स प्रिंसेस अपने रहने के लिए एक महल बनवा रही है। अब इसके बाद फॉक्स प्रिंसेस चलती है तो याओचैन को लेकर और आगे बढ़ती है, और रास्ते में बढ़ते बढ़ते याओचैन को बता देती है कि मुझे तुमसे एक गोली बनवाना है जो कि बहुत ही ज्यादा खास है। अब जैसे याओचैन इस फॉक्स प्रिंसेस की बात सुनते हैं ना, तो इस फॉक्स प्रिंसेस से कहने लगते हैं कि ठीक है मैं वो गोली तुम्हें बना तो सकता हूँ, लेकिन मैं सिर्फ एक रैंक 4 की गोली ही बना सकता हूँ, और अगर ज्यादा मैंने बनाने की कोशिश की तो शायद मैं तुम्हारी जड़ी बूटियों को भी खत्म कर दूंगा, मतलब कि नष्ट कर दूंगा। अब जैसे ही फॉक्स प्रिंसेस सुनती है ना, तो वो मुस्कुराने लगती है और यहाँ पर याओचैन से कहने लगती है कि तुम उसकी चिंता मत करो, मतलब कि जड़ी बूटियों की चिंता मत करो, मैं उनका तुम्हें भरपूर इंतजाम कर दूंगी। अब इसके बाद एक फॉक्स प्रिंसेस चलती है तो एक जगह पर याओचैन को लेकर आती है जहाँ पर दो बंदे जो कि इंसान थे उनसे हमारे याओचैन को मतलब कि याओचैन का परिचय करवाती है। और ये दोनों बंदे होते हैं ना सामने, ये दोनों बंदे भी एल्पिनिस्ट होते हैं, जिनमें से एक बंदा तो 40 से 45 साल का दिख रहा था और जो दूसरा बंदा है ना वो थोड़ा कम एज का दिख रहा था, लेकिन थोड़ा इस बंदे से अलग दिख रहा था, बोला जाए तो ये थोड़ा सातिर दिख रहा था। अब जैसे ही यहाँ पर फॉक्स प्रिंसेस इन बंदों से हमारे याओचैन का परिचय कराती है ना, तो याओचैन चलते हैं तो इन दोनों बंदों को सम्मान देने लगते हैं। फॉक्स प्रिंसेस चलती है तो इन दोनों बंदों से कह देती है कि तुम याओचैन को बिल्कुल भी परेशान नहीं करोगे, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। और भाई साहब फॉक्स प्रिंसेस की बात ये दोनों बंदे भी बहुत अच्छी तरह से समझ जाते हैं। अब यहाँ पर इनके बीच ऐसी बातें चली रही होती हैं, तभी यहाँ पर एक को लड़की आती है। अब जैसे ये लड़की आती है ना, और ये लड़की हमारे याओचैन को दिखती है, तो वो इसे एक ही बार में पहचान जाती है कि याओचैन तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम्हें तो याओ क्लैन से भगा दिया गया था ना। अब भाई साहब जैसे ये लड़की याओचैन से ये कहती है ना, तो याओचैन भी इस लड़की की ओर देख कर इसे पहचान जाते हैं, क्योंकि ये लड़की जो अभी हाल यहाँ पर आई है ना, ये एक बार याओ क्लैन में आ चुकी है, मतलब कि कोई याओ क्लैन का कोई कॉम्पिटिशन रहा होगा उस टाइम, ये लड़की शायद याओ क्लैन में आई होगी। अब जैसे ये लड़की यहाँ पर आती है ना, तो जो फॉक्स प्रिंसेस चलती है वो याओचैन के कान में कहने लगती है कि इससे थोड़ा संभल कर रहना, क्योंकि ये थोड़ी अलग है। याओचैन भी यहाँ पर हू जी मतलब कि फॉक्स प्रिंसेस की बातें समझ जाते हैं। अब इतने में ये लड़की जो कि अभी हाल यहाँ पर आई है ना, वो याओचैन के ऊपर एक अजीब सा जादू करने लगती है, मतलब कि उंगलियां हिलाकर। लेकिन याओचैन को एक मतलब कि बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता कि ये लड़की कौन सा जादू कर रही है, याओचैन इसके जादू में बिल्कुल भी नहीं फंसते, बल्कि मुस्कुराने लगते हैं, जिस वजह से ये लड़की और भी ज्यादा गुस्से में आ जाती है कि तेरी ये मत कि तू मेरे मतलब कि चाम वाला को जादू कर रही थी, ठीक है कि तू मेरे जाल में भी ना फंसे। लेकिन अभी लड़की ज्यादा कुछ नहीं कर सकती, इसलिए फॉक्स प्रिंसेस को लेकर यहाँ से निकल जाती है। अब इसके बाद यहाँ पर जो तीनों एल्पिनिस्ट थे ना, और हाँ यहाँ पर फैनजुन जी भी हैं, ठीक है, जो तीनों एल्पिनिस्ट थे ना वो अपने अपने काम में लग जाते हैं, और दो एल्पिनिस्ट थे ना वो अपने अपने काम में लग जाते हैं, और याओचैन चलते हैं तो वो भी यहाँ पर अपनी गोलियों को रिफाइन करने लगते हैं, और पलक झपकते ही कुछ ही घंटों के अंदर 25 गोलियां रिफाइन कर देते हैं जो कि रैंक 4 की होती हैं। अब जैसे ही ये दोनों एल्पिनिस्ट याओचैन को इतनी तेजी से गोलियों को रिफाइन करते हुए देखते हैं ना, तो ये हैरान हो जाते हैं कि ये बंदा भाई साहब है कैसा जो इतनी तेजी से गोलियों को रिफाइन कर सकता है। ये दोनों एल्पिनिस्ट चलते हैं तो याओचैन से पूछने लगते हैं कि आखिरकार ये रैंक 4 की है कौन सी गोली। याओचैन चलते हैं तो इस गोली के बारे में बताने लगते हैं कि इस गोली का फॉर्मूला मैंने ही बनाया है, मतलब कि अपनी गोली की बढ़ाइयां करने लगते हैं, ठीक। एल्पिनिस्ट हमारे याओचैन को इतनी तेजी से गोलियों को रिफाइन करते हुए देखते हैं ना, तो ये दोनों के दोनों चलते हैं तो याओचैन से पूछने लगते हैं और इनसे बात करने लगते हैं। अब इनके बातों में याओचैन को एक का नाम पता चल जाता है कि एक का नाम कुकू है और दूसरे का नाम मैं आगे बताऊंगा, ठीक है। अब इन दोनों से हमारे मास्टर याओचैन बात कर ही रहे होते हैं, तभी हमारे मास्टर याओचैन को पिल टावर के बारे में पता लगता है कि ये सेंटर फ्लेम है। पिल टावर एक ऐसा स्थान है जहां पर वो बहुत ही अच्छी अपनी एल्पिनिस्ट बोला जाए तो गोलियां बनाना सीख सकते हैं, और तो और पिल टावर जो सेंटर फ्लेम में है ना वो भी सबसे ज्यादा पावरफुल है, और अगर मास्टर पिल टावर से जुड़ जाते हैं या फिर कोई बड़ी पोजीशन हासिल कर लेते हैं उसमें, तो शायद मास्टर के लिए बहुत ही अच्छा होगा। मास्टर याओचैन चलते हैं तो यहाँ पर इन दोनों एल्पिनिस्टों से पूछने लगते हैं कि मैं पिल टावर में कैसे जा सकता हूँ। ये दोनों एल्पिनिस्ट चलते हैं तो पिल टावर के बारे में बताने लगते हैं और भी चीजें बताते हैं, और फाइनली ये दोनों एल्पिनिस्ट कहने लगते हैं कि तुम याओ क्लैन से हो, हमें ना याओ क्लैन का एक फॉर्मूला चाहिए, एक गोली का फॉर्मूला, और ये फॉर्मूला बहुत ही ज्यादा खास है क्योंकि इस फॉर्मूले से किसी की उम्र को 100 सालों के लिए बढ़ाया जा सकता है। ये दोनों एल्पिनिस्ट चलते हैं तो यहाँ पर कहने लगते हैं कि अगर उस फॉर्मूले को तुम हमें सिखा देते हो तो हम तुम्हारी पिल टावर में जाने में मदद कर सकते हैं। अब जैसे याओचैन इन दोनों की बात सुनते हैं ना, तो याओचैन को सोचने लगते हैं, हालांकि याओचैन याओ क्लैन से नफरत करते थे लेकिन वो कभी याओ क्लैन को धोखा नहीं दे सकते थे, इसलिए वो इन दोनों बंदों से कह देते हैं कि मैं उस फॉर्मूले को तो तुम्हें नहीं सिखा सकता, बोला जाए तो मेरे पास वो फॉर्मूला तो नहीं है, लेकिन तुम्हारे पास उस गोली का जो आधा फॉर्मूला है ना उसके जरिए मैं उस गोली को बनाने में तुम्हारी
तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। ये दोनों चलते हैं तो याओ चैन की बात मान जाते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर थोड़ी बहुत और भी बातें होती है इनके बीच। एक पिल्टावर की नई जगह के बारे में बताया जाता है, ये जगह बहुत ही ज्यादा खास है। अब पलक झपकते ही 2-3 दिन और गुजर जाते हैं। और हाँ, जो दो एल्पिनिस्ट है ना, एक का नाम तो हम फर्स्ट एल्पिनिस्ट लेंगे और दूसरे का नाम हम सेकंड एल्पिनिस्ट लेंगे, मतलब कि एल्पिनिस्ट 1 और एल्पिनिस्ट 2, ठीक है, क्योंकि ओरिजिनल नाम इनके थोड़े कंफ्यूजन भरे हैं, ठीक है, एक से नाम है तो उम्मीद है आप मेरी बातों को समझोगे। अब जैसे ही 2-3 दिन गुजरते हैं ना, तो हमें फैन जुंजे को बताया जाता है, जो कि उस बड़ी वाली डीमन फॉक्सेस है, सॉरी मतलब कि डीमन लड़की से परेशान थे, क्योंकि वो हमेशा यहाँ पर आती थी और याओ चैन के ऊपर जादू टोना करती थी, मतलब कि अपनी शक्तियों को आजमाती थी, लेकिन याओ चैन के ऊपर उसका किसी भी प्रकार से कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता था। उसकी वजह उसका प्रभाव फैन जुंजे पर पड़ जाता था, जिस वजह से फैन जुंजे उसकी ओर आकर्षित हो जाते थे, जिस वजह से फैन जुंजे भी उस लड़की से परेशान होने लगे थे। फैन जुंजे चलते हैं तो याओ चैन से कहने लगते हैं कि याओ चैन मुझे बचा ले, वरना ये लड़की मुझ पर जादू कर कर मुझे अपने बस में कर लेगी, मुझे भी स्ट्रॉन्ग बना दे ताकि मैं इस लड़की के चंगुल से बच सकूं। और भाई साहब, फैन जुंजे की ऐसी बात सुनकर याओ चैन मुस्कुराने लगते हैं। अब इसके बाद याओ चैन चलते हैं तो फैन जुंजे की गुफा में ले जाते हैं और वहां पर मतलब कि जो हमारे मास्टर नहाते हैं ना जड़ी बूटियों के पानी से, वहां पर दोबारा से नहलाने लगते हैं, मतलब कि नहाने लगते हैं। अब यहाँ पर फैन जुंजे और याओ चैन नहा रहे होते हैं, तभी यहाँ पर फर्स्ट बार एल्पिनिस्ट आ जाता है। अब जैसे यहाँ पर फर्स्ट बार एल्पिनिस्ट आता है ना, तो वो याओ चैन से बातचीत करने लगता है, ऐसा वैसा जेबो। याओ चैन चलते हैं तो वो भी इससे बातचीत करने लगते हैं। हालांकि इन बातों में याओ चैन को पता चल जाता है कि जो फर्स्ट वाला एल्पिनिस्ट है ना, वो भले ही जुबान से एकदम कड़क है, लेकिन वो दिल का बहुत ही ज्यादा अच्छा है। और जो दूसरा वाला एल्पिनिस्ट है ना, वो जवान का भले ही नरम है, लेकिन उसके दिल में बहुत ही ज्यादा खतरनाक चीजें छुपी हुई है, बोला जाए तो वो किसी को भी धोखा दे सकता है। अब यहाँ पर फर्स्ट वाला एल्पिनिस्ट चलता है तो वो याओ चैन को बताने लगता है कि तुम यहाँ इस तालाब में क्या कर रहे हो, मुझे पता है कि तुम इन जड़ी बूटियों से नहा रहे हो, लेकिन ये जड़ी बूटियां भी तुम्हारे शरीर को इतना स्ट्रांग नहीं बना सकती। अब जैसे ही मास्टर याओ लाओ से ये फर्स्ट वाला एल्पिनिस्ट कहता है ना, तो यहाँ पर याओ चैन चलते हैं तो इसको एक गोली पकड़ा देते हैं कि इस गोली को देखो। अब भाई जब जैसे इस गोली को ये फर्स्ट वाला एल्पिनिस्ट देखता है ना, तो हैरान हो जाता है कि इतनी बेहतरीन गोली, मतलब कि इस गोली का नाम है, कोई वो नाम लेता है कि ये तो ये वाली गोली है, ए भला तुम रिफाइन कैसा कर सकते हो। और तो और इस गोली की ये फर्स्ट वाला क्वालिटी भी देखता है कि एक नंबर थी। और तो और ऐसी गोली तो पिल्टावर में भी बड़ी मुश्किल से ही मिलती है, बोला जाए तो पिल्टावर का कोई से मतलब कि गिने चुने एल्पिनिस्ट ही होंगे जो इस प्रकार की गोलियों को रिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि इस गोली में बिल्कुल भी कमियां नहीं थी, एक नंबर गोली थी। यहाँ पर फर्स्ट बार एल्पिनिस्ट चलता है तो वो याओ चैन को ऑफर वगैरह देने लगता है कि अगर तुम इस गोली का फॉर्मूला मुझे दे देते हो तो मैं भी बदले में कुछ टेक्निक है और कुछ फॉर्मूले तुम्हें दूंगा। याओ चैन चलते हैं तो इसकी बात मान जाते हैं कि ठीक है, मैं देने के लिए तैयार हूँ। और हाँ, मास्टर याओ लाओ है ना, उनसे अच्छा नहाने वाला जड़ी बूटियों का पानी इस दुनिया में कोई भी नहीं बना सकता, और हमारा जान भी मास्टर याओ चैन से ही ये पानी को बनाना सीखा था, इसलिए तो हमारा जान इस पानी के जरिए हर किसी के पॉइजन को उसके शरीर से बहुत ही आसानी से निकाल दिया करता था। अब यहाँ पर इनके बीच थोड़ी बहुत और बातें होती हैं और पलक झपकते 3 साल और गुजर जाते हैं। और जो हमारे मास्टर याओ लाओ थे ना, अब वो भी थोड़े लंबे हो जाते हैं। और तो और अब उनके दाढ़ी वगैरह भी आ गई थी, थोड़ी बहुत मतलब की दाढ़ी वगैरह निकल आई थी, ठीक है। अब हमें 3 साल बाद का सीन बताया जाता है, जहाँ पर वो फॉक्स प्रिंसेस वो अपने लिए महल बनवा रही थी ना, वो भी एकदम बनकर तैयार हो जाता है। अब इतने में हमें बताया जाता है कि जो बड़ी बड़ी प्रिंसेस थी ना फॉक्स प्रिंसेस, वो दो एल्पिनिस्ट, एल्पिनिस्ट फर्स्ट और एल्पिनिस्ट सेकंड यहाँ पर लाई थी ना, उनका कॉन्ट्रैक्ट भी पूरा हो जाता है और ये दोनों एल्पिनिस्ट चलते हैं तो ये भी यहाँ पर जाने लगते हैं। फर्स्ट एल्पिनिस्ट चलता है तो वो हमारे मास्टर याओ चैन से कहने लगता है कि अब समय आ गया है कि तुम पिल टावर में जाकर अपनी पहचान बना सको, हालांकि तुम वहां पर ऐसा नहीं जा सकते, लेकिन मैं तुम्हें एक लेटर दे रहा हूं, तो इस लेटर के जरिए तुम पिल टावर में प्रवेश कर सकते हो। हालांकि मैं पिल टावर में नहीं आ सकता क्योंकि मैंने वहां पर कुछ प्रॉब्लम पैदा कर दी थी, इसलिए पिल टावर मुझे वहां पर एक्सेप्ट नहीं करता, लेकिन पिल टावर का एक एल्डर हूँ, इसलिए मेरे स्टूडेंट के तौर पर तुम वहाँ पर एंट्री ले सकते हो। अब जैसे ही फर्स्ट बार एल्पिनिस्ट कहता है ना, तो याओ चैन इसकी बातों को सुनकर सिर हिला देती है। अब इतने में यहाँ पर हमें फॉक्स प्रिंसेस को बताया जाता है, जो कि बड़ी वाली थी। अब जैसे ही फॉक्स प्रिंसेस यहाँ पर आती है ना, तो फर्स्ट और सेकंड एल्पिनिस्ट से फॉक्स प्रिंसेस ने जो कॉन्टेक्ट किया था ना, उसके मुताबिक सारी चीजें इन दोनों को पकड़ा देती है, बोला जाए तो दे देती है। अब क्या देती है वो आप ना ही जानो तो अच्छा है, क्योंकि वो आपको सुनने में भी थोड़ी सी शर्म आएगी, मतलब कि सेकंड वाला एल्पिनिस्ट थोड़ा बेशरम था, ठीक है। फर्स्ट बार एल्पिनिस्ट ने ऐसा कुछ नहीं लिया फॉक्स प्रिंसेस से, और हाँ, फॉक्स प्रिंसेस के बारे में गलत चीजें मत समझना, ठीक है। अब यहाँ पर इन दोनों से मतलब कि इन दोनों को अपना अपना सामान पकड़ाने के बाद यहाँ पर फॉक्स प्रिंसेस चलती है तो वो याओ चैन को अलग से मतलब कि इनसे थोड़ा दूर ले जाती है और उससे बातचीत करने लगती है। याओ चैन भी समझ जाते हैं कि फॉक्स प्रिंसेस उनसे क्यों बात करना चाहती है बड़ी वाली।
फॉक्स प्रिंसेस चलती है तो भी याओ चैन से कहने लगती है कि क्या तुम याओ क्लैन में दोबारा से वापस जाना नहीं चाहती। फॉक्स प्रिंसेस की ऐसी बातें सुनकर याओ चैन मना कर देते हैं कि नहीं, मैं उस जगह पर कभी भी जाना नहीं चाहता। बड़ी वाली फॉक्स प्रिंसेस चलती है तो और भी यहाँ पर याओ चैन से कहने लगती है कि तुम्हें पता है कि मैंने तुम्हें साइड में बात करने के लिए क्यों बुलाया है। याओ चैन समझ जाते हैं कि बड़ी वाली फॉक्स प्रिंसेस क्या कहना चाहती है। याओ चैन चलते हैं तो बड़ी वाली फॉक्स प्रिंसेस से कहने लगते हैं कि तुम चिंता मत करो, वुजी और हमारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं सिर्फ उसका एक फ्रेंड हूँ। अब बड़ी वाली फॉक्स प्रिंसेस जैसे ही यहाँ पर याओ चैन की बातें सुनती है तो वो भी एक हैरान हो जाती है कि क्या तुम एक सिर्फ फ्रेंड हो। हालांकि याओ चैन बड़ी वाली मतलब कि छोटी वाली फॉक्स प्रिंसेस को पसंद करते थे, लेकिन बड़ी वाली फॉक्स प्रिंसेस के समझाने पर याओ चैन समझ जाते हैं कि अगर तुम्हारे बीच कुछ हुआ तो इससे छोटी वाली फॉक्स प्रिंसेस को प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि जिस टेक्निक को वो कल्टीवेशन करती है ना, उस टेक्निक में उसे प्यार मोहब्बत ऐसी किसी भी चीज की करने की अनुमति नहीं देती, और अगर तुम्हारे और उसके बीच कुछ हुआ तो इससे उसे भी प्रॉब्लम हो सकती है और तुम्हें भी, इसलिए तुम दूर रहो तो ही अच्छा है। याओ चैन भी बड़ी वाली फॉक्स प्रिंसेस की बात मान जाती है कि ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर बड़ी वाली फॉक्स प्रिंसेस चलती है तो याओ चैन को बहुत सारी गोलियां और एल्पिनिस्टी का मतलब कि जड़ी बूटियां वगैरह देने लगती है। याओ चैन चलते हैं तो मना करते हैं कि नहीं, मुझे इनकी जरूरत नहीं है, मैं तुमसे नहीं ले सकता। हालांकि याओ चैन इसलिए मना कर रहे थे क्योंकि इन 3 सालों के अंदर याओ चैन ने जो फॉक्स क्लैन डीमन है ना डीमन क्लैन है ना, इसकी बहुत सारी जड़ी बूटियां याओ चैन ने खर्च करी थी, जिस वजह से याओ चैन आज एल्पिनिक के मामले में थोड़े पावरफुल हो गए थे। पर ना इतनी सारी जड़ी बूटियों को ढूंढने में और उनसे मतलब कि उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट करने में उन्हें बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम होती, इसलिए याओ चैन फॉक्स डीमन क्लैन का मतलब कि जड़ी बूटियां नहीं लेना चाहते थे। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ी बहुत और बातें होती हैं और यहाँ से हैन जुनजे, बेला बाला एल्पिनिस्ट और याओ चैन तीनों के तीनों निकल जाते हैं। हालांकि जो दूसरा वाला एल्पिनिस्ट था ना, वो भी यहाँ से चला जाता है फॉक्स डीमन क्लैन से, लेकिन वो अलग रास्ते जाता है। अब ये तीनों के तीनों बंदे चलते हैं तो एक सिटी में पहुंचते हैं और भाई साहब जैसे यहाँ पर हैन जुनजे सिटी वगैरह और लोगों को देखते हैं ना, तो इन्हें अपनी फैमिली की याद आने लगती है कि एक समय ऐसा था जब इनकी भी एक फैमिली थी, ऐसी सिटी थी। और भाई साहब याओ चैन हैन जुनजे का चेहरा देखकर समझ जाते हैं कि हैन जुनजे क्या सोच रहे हैं। याओ चैन चलते हैं तो हैन जुनजे से कहने लगते हैं कि तुम चिंता मत करो, बस 2 साल और, इसके बाद हम मुंह फैमिली को जड़ से मिटा देंगे। हैन जुनजे चलते हैं तो वो भी याओ चैन की बात मान जाते हैं। अब इसके बाद ये तीनों के तीनों बंदे एक बॉम होल के पास आते हैं, क्योंकि इसी सिटी से सीधा जे होली सिटी पहुंच सकते थे, मतलब कि पिल टावर के अंदर पहुंच सकते थे, पिल टावर वाली सिटी में पहुंच सकते थे। याओ चैन चलते हैं तो यहाँ पर जैसे ही इस बॉम होल के पास आते हैं ना, तो एक बोट निकालते हैं, बोला जाए तो नाव निकालते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा शानदार लग रही होती है। अब जैसे ही इस बोट को हैन जियान और हैन जुनजे और वो पहला वाला एल्पिनिस्ट हु चैन, और यार मेरे ख्याल से हु चैन मैंने नाम सुना है, शायद ये पिल टावर की जो 4 फैमिली है ना, उनमें ऐसे एक फैमिली का है शायद, यार कोई नहीं, हमें आगे पता चलेगा ये कौन है। ठीक है, अब जैसे याओ चैन इस बोट को निकालते हैं ना, तो ये सभी के सभी तीनों बंदे चलते हैं तो इस बोट से मतलब की बोट में बैठकर होली पिल सिटी की ओर आगे जाने लगते हैं। और भाई साहब अब मैं यहाँ से बता दूं कि अब यहाँ से हमारे मास्टर एक लेजेंडरी बनने के लिए अपने कदम आगे बढ़ा चुके हैं, बोला जाए तो दुनिया में फेमस होने के लिए अपने कदमों को आगे बढ़ा चुके हैं। हालांकि याओ चैन इस बात को नहीं जानते कि वो भविष्य में इस दुनिया के बेस्ट एल्पिनिस्टों में से एक बनेंगे। अब जैसे ही ये होली पिल सिटी पहुंचते हैं ना, तो यहाँ पर हमें हु किंग को बताया जाता है, बोला जाए तो फर्स्ट एल्पिनिस्ट को बताया जाता है, जो कि बहुत ही ज्यादा मतलब कि प्राउड नेचर के थे और जो बड़ी बड़ी फांक रहे होते हैं कि अभी तो शुरुआत ही है पिल टावर सिटी की, आगे देखते जाओ कि आगे आगे होता क्या है। और ये प्राउड नेचर के मतलब कि हु चैन प्राउड नेचर के इसलिए थे क्योंकि हु चैन का जो जन्म हुआ था ना, वो एक बहुत ही अच्छी फैमिली में हुआ था, बोला जाए तो पावरफुल फैमिली में हुआ था, जिस पर की मतलब की जो की पिल टावर पिल टावर 4 फैमिलियों पर रूल करता है ना, पता नहीं 4 पर करता है या 5, उनमें से एक थी हु चैन की फैमिली। ठीक है, अब जैसे ही हु चैन याओ चैन और हैन जियान को होली पिल सिटी में लाते हैं ना, तो एक दिन यहाँ पर जी ब्रेक करते हैं, बोला जाए तो आराम करते हैं, और फिर इसके बाद हु चैन चलते हैं तो याओ चैन का एल्पिनिस्ट टेस्ट दिलाने के लिए पिल टावर के टेस्ट हॉल में ले जाते हैं। अब जैसे यहाँ पर आते हैं ना, बोला जाए तो हु चैन याओ चैन और हैन जुनजे जैसे यहाँ पर आते हैं ना, तो सामने एक हमें बुड्ढे को बैठा हुआ दिखता है जो कि पिल टावर का टेस्ट हॉल मास्टर था, और इसकी एज 60 से 65 साल की लग रही थी। अब जैसे यहाँ पर हु चैन को ये 2 बंदों को पिल टावर में लाते हुए दिखता है ना, तो मुस्कुराने लगता है और यहाँ पर इन दोनों बंदों को बोला जाए तो याओ चैन और हैन जियान दोनों को देखने लगता है और समझ जाता है कि इसमें से याओ चैन सच में स्ट्रांग है। अब ऐसे बंदे लाने की वजह से यहाँ पर ये बुड्ढा चलता है तो हु चैन की तारीफ करने लगता है कि सच में इस बार तुमने बहुत ही अच्छे स्टूडेंटों को ढूंढा है। अब जैसे यहाँ पर याओ चैन हैन जियान हैन जुनजे
समझ में आ सके, इसलिए मैं फैन जियान का नाम फैन जुंजी लेता हूँ, ठीक है। नहीं आप और को समझ जाओ कि नहीं भैया नाम तो शुरू से ही गलत ले रहा है। अब यहाँ पर तीनों बंदे आ जाते हैं, फैन जियान, फैन जुंजी और हु चैन। अब यहाँ पर बैठ कर इंतजार कर ही रहे होते हैं कि इनका नंबर कब आए और ये कब टेस्ट दें। तभी यहाँ पर हु चैन का एक दुश्मन था, मतलब कि जैसे हमारे पड़ोसी रहते हैं ना दुश्मन, पता नहीं आप लोगों के पड़ोसी दुश्मन है या फिर अच्छे, लेकिन मेरे ख्याल से दुष्टी रहते होंगे, ठीक है। भैया बुराई नहीं कर रहा हूँ ना, ये आप गलत समझने लगो। मतलब कि यहाँ पर हु चैन का एक और पड़ोसी आ जाता है जो कि हमेशा उससे जलता रहता था, और ये पड़ोसी भी अपने दो बंदों को यहाँ पर टेस्ट दिलाने के लिए लाया हुआ था। अब इसके बाद यहाँ पर हु चैन और सामने वाला बंदा जो यहाँ पर दो बंदों का टेस्ट दिलाने के लिए लाया हुआ था ना, इनके बीच आपस में बहस होती है। यहाँ पर बुड्ढा था ना जो यहाँ का मैनेजमेंट संभाल रहा था, ये दोनों को समझाता है ये पिल टावर है इसलिए तुम्हें यहाँ पर बहस नहीं करना चाहिए। अब इसके बाद यहाँ पर सभी का सभी टेस्ट शुरू होता है। याओ चैन चलते हैं तो वो एक रैंक 5 का हाई लेवल का टेस्ट देने के लिए जाते हैं, और यहीं ये दोनों बंदे चलते हैं तो ये भी टेस्ट रूम में अंदर चले जाते हैं। अब याओ चैन और सभी लोगों का यहाँ पर टेस्ट चल ही रहा होता है, तभी यहाँ पर हु चैन और सामने वाले बंदे के बीच दोबारा से बहस छिड़ जाती है। सामने वाला पड़ोसी कहने लगता है हु चैन से कि ऐसा लगता है कि तुम्हारे स्टूडेंट की तो किस्मत ही खराब है कि उसे वो चुड़ैल मैडम मिल गई जो उसका टेस्ट ले रही है। अब जैसे यहाँ पर हु चैन इस सामने वाले बंदे की बात सुनता है ना तो वो भी हैरान हो जाते हैं कि क्या वो लड़की मेरे स्टूडेंट का टेस्ट ले रही है, लगता है कि याओ चैन इस टेस्ट में पास ही नहीं हो पाएगा। अब कुछ समय बाद यहाँ पर टेस्ट खत्म होता है और जो पड़ोसी के दो बंदे बाहर निकल कर आते हैं जिन्होंने अपना अपना टेस्ट पार कर लिया था, और मेरे ख्याल से इनका टेस्ट रैंक 5 के हाई लेवल का ही था, पास कर लिया था। अब जैसे यहाँ पर ये पड़ोसी ये देखता है कि उसके दोनों स्टूडेंटों ने अपना अपना टेस्ट पास कर लिया तो ये प्रसन्न हो जाता है और हु चैन को दोबारा से चेंगाने लगता है। हु चैन चलते हैं तो इससे चिढ़ जाती है, लेकिन तभी एक और दरवाजा खुलता है और उस दरवाजे से उदास हालात में, मतलब कि जो हमारे मास्टर का हमेशा पेश रहता था ना वैसे हालात में, हमारे याओ चैन भी बाहर निकल कर आते हैं। अब जैसे याओ चैन यहाँ पर बाहर निकल कर आते हैं ना तो ये पड़ोसी था ना जी याओ चैन को बुरा भला कहने लगता है कि तुम तो बच्चे अपना टेस्ट पार भी नहीं कर पाए, तुम क्या ही हु चैन के डिसाइबल बनोगे, मतलब कि ऐसा वैसा बुरा भला ऐसा वैसा कहने लगता है। लेकिन इतने में एक बार और वही दरवाजा खुलता है जिस दरवाजे से हमारे याओ चैन बाहर निकल कर आए थे, और उस दरवाजे से एक लड़की निकल कर आती है जो कि चेहरे पर नकाब पहनी हुई थी। और भाई साहब हमें यहीं पर बताई जाएगी हमारे मास्टर की सबसे पहली गर्लफ्रेंड जिसे हमारे मास्टर बेइंतहा मोहब्बत करेंगे आगे चलकर। खैर कोई नहीं, इसके बारे में जानने के लिए आपको अब अगला वीडियो देखना पड़ेगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केयर।